नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, फ्लैशबैक यानी कि पुरानी फिल्मों के बारे में मैं आपको कुछ न कुछ ऐसी जानकारियां देता रहता हूँ जो काफी मजेदार होती है, काफी इंटरेस्टिंग होती है। तो इसी कड़ी में आज बात करेंगे दोस्तों सनी देओल तथा अक्षय कुमार, दो बड़े स्टार 90s के, तो बहुत बड़े स्टार, बल्कि आज भी इनका क्रेज जबरदस्त है। गदर टू आ रही है सनी देओल सर की, अक्षय कुमार की भी बहुत सारी फिल्में आ रही है। OMG 2 कलेश करने वाली है 11 अगस्त को गदर से। तो किस प्रकार से सनी देओल तथा अक्षय कुमार एक बार आपस में भिड़ गए थे, किस बात से लेकर के उनको मतभेद हो गए थे, इसी के बारे में आज का किस्सा है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज और हर तरह की न्यूज इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। दोस्तों, बात 90s के दशक की है जब सनी देओल सर फिल्म जिद्दी की शूटिंग कर रहे थे। ब्लॉकबस्टर फिल्म थी उनकी जिद्दी, बहुत जबरदस्त रोल था उनका। रवीना टंडन उनके साथ थी, तो रवीना टंडन काफी अपसेट नजर आ रही थी सेट पे जब वो शूटिंग के लिए आए थे। बिल्कुल भी एक्टिंग में उनका मन नहीं लग रहा था, अपना 100% वो दे नहीं पा रही। तो सनी देओल सर ने पूछा, भाई क्या बात है, इस तरह से क्यों उदास बैठी हो आप, और क्यों मतलब किस बात की टेंशन है। तब उन्होंने बताया, रोते रोते उन्होंने बताया सनी देओल सर को कि मेरा अक्षय कुमार से ब्रेकअप हो गया है। अक्षय कुमार से उनका मतलब एक अफेयर था शायद, और वो टूट गया था। अक्षय कुमार का केवल रवीना टंडन के साथ ही उस समय नाम नहीं जुड़ा था, बल्कि दोस्तों आयशा जुल्का और शिल्पा शेट्टी इनके साथ भी उनका काफी मतलब नाम जुड़ा था, काफी अफेयर के चर्चे थे। और बाद में जब अक्षय कुमार ने इन सभी को छोड़ते हुए ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली थी, तो सभी को काफी गहरा आघात पहुंचा था। और शायद ये उसी समय की बात है, उस समय शायद अक्षय कुमार ने शादी नहीं की थी, लेकिन जब सनी देओल सर को यह पता चला तो वो काफी क्रोधित हुए थे। और कहा जाता है कि उन्होंने अक्षय कुमार को इस बात को लेकर के काफी ज्यादा डांटा था, काफी ज्यादा बहस हुई थी उनकी अक्षय कुमार से, और काफी तनातनी हुई थी। इस तरह की खबरें अब निकल करके सामने आ रही है। हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो गया था जब अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली थी। और क्योंकि ट्विंकल खन्ना डिम्पल कपाड़िया की बेटी, और डिम्पल कपाड़िया से सनी देओल सर के काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं, काफी अच्छी दोस्ती रही है, तो उसके बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन उस समय के दौरान कुछ समय के लिए अक्षय कुमार और सनी देओल के बीच में काफी बड़ा झगड़ा होने की नौबत आ गई थी। और कहा जाता है कि दोनों के बीच में बातचीत भी बंद हो गई थी रवीना टंडन को लेकर के। अब हालांकि अब रवीना टंडन भी काफी खुश है अपने पति के साथ, और उनकी बेटी भी अभी फिल्मों में डेब्यू करने वाली है। साथ ही दोस्तों, जो शिल्पा शेट्टी भी करण कुंद्रा के साथ सेट हो चुकी है ऑलरेडी, और इसके अलावा सनी देओल सर भी सेट है, उनके भी बेटे करण देओल है, राजवीर देओल है, सब एकदम फिल्मों में अपना काम करने शुरू कर चुके हैं। राजवीर देओल तो डेब्यू करने वाले हैं राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म से। तो काफी कुछ अब कुछ सब कुछ ठीक है मतलब कि, लेकिन उस समय यह एक काफी एक टेंशन वाली बात हो गई थी जब दोनों बड़े स्टार आपस में उलझ गए थे एक दूसरे को लेकर के। तो बाद में अब सब कुछ ठीक है, अब दोनों में अच्छे संबंध है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी 11 अगस्त को दोनों फिल्में बड़ी फिल्में टकरा रही है, गदर 2 और OMG 2, और अक्षय कुमार सनी देओल सर फिर से एक बार आमने सामने है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। मुझे लगता है गदर 2 काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है OMG 2। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।